पेगासस मामला सरकार का पीछा छोड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा। खासकर कांग्रेस इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती और लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आज एक बार फिर से दिल्ली में ठीक ये सुनहरी मस्जिद के पास तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए लगातार पुलिस इन्हें खदेड़ रही है यहाँ से, क्योंकि ये लोग तमाम लोग अमित शाह के जो गृहमंत्री अमित शाह के घर की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पूरी तरह से रोक दिया। और यहाँ पर देखिए आप लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप ये बताइए किस बात के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये जो जासूसी हो रही है, जासूस के खिलाफ ये हमारे अध्यक्ष जी अनिल चौधरी उन्होंने प्रदर्शन कराया। ये कौन कर रहा है जासूसी? किस चीज की जासूसी? ये जासूसी जो हो रही है, जो फोन टेप हो रहे हैं राहुल गांधी जी के, जो भी हमारे नेता हैं उनके जो फोन टेप हो रहे हैं, ये उसकी जासूसी जो हो रही है उसके खिलाफ ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। देखिए लगातार जो पुलिस है वो क्योंकि यहाँ से इन लोगों को हिरासत में लेकर, देखिए महिलाएं भी हैं काफी ज्यादा यहाँ पर, तो महिला पुलिसकर्मी उनके लिए लगी हुई है और उनको हिरासत में ले जा रहा है। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पेगासस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस उग्र अपना जो रुख है वो रखे हुए, और आज एक बार फिर से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और लेकिन पुलिस ने पूरी रोड को बंद कर दिया, रास्ता जो है ये गृह मंत्री अमित शाह के घर की तरफ जाता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहीं उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। महिलाएं भी हैं उनको भी हिरासत में ले जा रहा, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि उन्हें यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है, तो इसीलिए पुलिस यहाँ से तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जा रही है। मोहन सर मित्रा के साथ कौशिक, 24 दिल्ली।